subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे फरमाइश आई थी कि आप KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाना सिखाएं, तो KFC भी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची होता है। इंशाल्लाह जो मैं बनाऊंगी ये भी सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। तो शुरू करते हैं। मैंने चिकन लिया, चिकन के ये पीसेस लिए, लेग पीस लिए, ये दूध है मेरे पास, ये विनीगर है, ये चाइनीज सॉल्ट, हाफ चाइनीज सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और ये है हॉट सॉस। ये ऑप्शन, अगर डालना चाहे तो डाल लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग ये चिकन है इसको हम ऐसे करेंगे हाथ से अच्छी तरह, ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, ये देखिएगा बिल्कुल। ये देखिए, ये ऐसे करने से बिल्कुल ये सीधी हो गई। ऐसे हम इसको भी करेंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे हम, इसके यहाँ पे कट लगाएंगे, और एक हम यहाँ कट लगाएंगे, ऐसे हम सबको कट लगा देंगे। ये दूध है, अच्छा दूध हम जो लेंगे इतना लेंगे कि जो ये चिकन है ये इसके अंदर डिप हो जाए। इसकी क्वांटिटी बस यही है कि आपने जितना भी आपने चिकन लेना उसके अंदर आपने जितना भी दूध डालना वो उसके अंदर डिप हो जाए। ये विनीगर मैंने इसके अंदर ये डाल रही हूँ, हाफ कप विनीगर डाला। आपके पास अगर विनीगर नहीं है तो आप लेमन डाल सकते हैं। ये हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट मैंने डाला है। और ये इतना मैं सॉल्ट डालूंगी, आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके हम लोग इसको, या तो आप इसको ओवरनाइट रख दें, वरना 6-7 घंटे के लिए आप इसको रख दें, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अभी हम रख देते हैं। ये चिकन को रखे हुए टाइम हो गया है, अब हम क्या करेंगे इस चिकन को, एक मिनट, इसको हम अच्छी तरह इसका, इसको हम निकाल के ऐसे रखेंगे ताकि ये इसका अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए मिक्सचर। सॉरी, ये जो चिकन जो है इसमें हमने निकाला है ये अच्छी तरह से, इसका ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल जाए। इसको हम अब ऐसे रख देंगे, और यहाँ पे ये मैंने मैदा लिया है। क्वांटिटी आपको मैं बता देती हूँ, मैदा अगर आपने 1 कप लिया है तो आपने 1 कप भी इसके अंदर डालना है कॉर्नफ्लोर, और 1 कप भी आप डालेंगे इसके अंदर ये राइस फ्लोर। अच्छा, इसके अंदर मैंने आधा कॉर्नफ्लोर डाल दिया हुआ और ये मैदा है, बाकी का कॉर्नफ्लोर मैं इसी में डाल रही हूँ, और इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये राइस फ्लोर। मेरी कोशिश है जो चीजें घर में है मैं उन्हीं चीजों से आपको ये चिकन की रेसिपी दूं, ताकि आप अपने घर में बनाएं तो आपको बहुत मजेदार लगे। और इसके अंदर ये 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, वन एंड हाफ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दें, चाइनीज सॉल्ट, और इसमें जाएगा सॉल्ट, क्योंकि चिकन में भी डाला था इसमें भी डालना है, और इसके अंदर रेड चिली पाउडर, ये 1 टेबल स्पून। मेरी ये रेड चिली पाउडर ये बहुत तेज है, और इस मिक्सचर को हम ऐसे मिक्स करके रख देंगे।
मैं घी को गरम करती हूँ। ये देखिए इसको मैंने रखा था, इसके अंदर से ये इस तरह पानी फिर भी निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसी को पकड़ के, ये वही वाला मिक्सचर है जिसमें मैंने चिकन को डिप करके रखा था, इसको ऐसे करेंगे हम लोग और इसमें अब हम मैदे में इसको कोट करेंगे। I'm just sitting here. I got time. और इसको यहाँ साइड पे मैं रख दूंगी, ऐसे ही मैं सारे करूंगी। आप क्वांटिटी जो है, अगर आपकी कम चिकन है तो आप कम रखें, अगर ज्यादा है क्वांटिटी, ज्यादा चिकन है तो आप क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये मैंने सारा इस पे कोट कर दिया है, अब इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए, अब इसको दोबारा से इसको कोट करेंगे। ऐसे ही मैं दोबारा से कर लूंगी। अब इसको फ्राई करेंगे, इसमें घी की क्वांटिटी हम ज्यादा रखेंगे। आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी के ले लीजिए, वरना कुकिंग ऑयल ले लें, लेकिन घी में ही ज्यादा अच्छा बनेगा। और फुल गरम घी को नहीं करना, वरना ये ऊपर से बन जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसको मैंने डाल दिया, अब इसमें हम चम्मच नहीं अभी हिलाएंगे, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। इसको हम उलटाएंगे, ये देखिए मैंने इसको कितनी आंच पे रखा था, ये ज्यादा हो गई, इसको कम पे रख के फिर मैंने ये ऊपर से इसको थोड़ा सा मैंने बनाया ताकि ये सेट हो जाए। अब मैं इसको दम पे रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी गल जाए। 2 मिनट के बाद हम इसको उठाएंगे और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। तो दोबारा मैं दम पे रखूंगी। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया, इसकी आंच मैंने स्लो ही रखी है। ये आंच दिखा बेटा, और अब इसको हम मैं कवर नहीं करूंगी, अब मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूंगी ताकि ये और अच्छा सा ये इसमें कलर आ जाए। अच्छा, मैंने जो पहले रखा था 2 मिनट के लिए इसको कवर देके रखा था, इसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर दिया था, और इसको बाद में मैंने इस तरह अच्छी तरह और इसको मैंने और ये फ्राई किया है। ये बिल्कुल फ्राई हो गया, मैं इसको डिश आउट करूंगी। तैयार, कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है? बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, लग रहा है ना KFC? बिल्कुल। चिकन फ्राई रेडी है, आप इसको ट्राई करें और बताएं रेसिपी आज की आपको कैसी लगी। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कि आपको ये कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।